हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग किसी भी कलरफुल फ़ोटो को कैसे कैनवास या क्रेयॉन या कलरिंग बुक फ़ोटो में कैसे तब्दील करते हैं। ये मैं आपको फ़ोटो टू कार्टून सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताऊंगा। जैसे ही आप फ़ोटो टू कार्टून सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसका कुछ लुक इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो टू कार्टून सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल बार है, उसके बाद मेनू बार है। यहाँ मेनू बार में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे उसके कुछ और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोड फ़ोटो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिस फ़ोटो को आपको क्रेयॉन या कैनवास या कलरिंग बुक में तब्दील करना है, चेंज करना है, तो उस फ़ोटो को लेकर आना होता है। तो यह लोड फ़ोटो पर क्लिक करें। करने के बाद ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जिस फ़ोटो को भी आपको चेंज करना है कैनवास स्टाइल में या क्रेयॉन में या कलरिंग बुक में, तो उस फ़ोटो को लेकर आते हैं। तो एक फ़ोटो मैं लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लोड फ़ोटो हो रहा है यहाँ पे, और ये फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे चेंजेस कुछ नज़र आया होगा, ये फ़ोटो चेंज हो गया। अब यहाँ पे स्टेप वन में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया आउटलाइन के लिए स्टेप है, दूसरा है कलर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसे मैं मूव करता हूँ इस हैंडल को, तो फ़ोटो में कुछ चेंजेस आपको आउटलाइन में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कलर में यहाँ पे मिनिमम आप 150 इसे रखें, 150 आउटलाइन के लिए। उसके बाद स्टेप टू में फ्यूअर में जाएंगे, यहाँ पे फ्यूअर में 5 6 तक रखें इसका कलर के लिए। ये हो जाने के बाद अब इसे मुझे कैनवास या क्रेयॉन या कलरिंग बुक का स्टाइल देना है इस फ़ोटो को, या उसको कैनवास में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेप थ्री, उसके नीचे देखें स्टेप फोर, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप है स्टाइल। स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल, स्टाइल पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्टाइल का जो बॉक्स है यहाँ पर सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड। यहाँ नीचे दो ऑप्शन है, डार्कर और ब्राइटर, तो यहाँ सॉलिड तो सॉलिड है। उसके ठीक राइट हैंड साइड में एक डाउन बटन है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, क्रेयॉन है, कैनवास है, कलरिंग बुक है, आउटलाइंस ओनली, नो आउटलाइन, स्पॉन्ज है। तो अगर क्रेयॉन में कन्वर्ट करना है तो क्रेयॉन चूज़ करें। और जैसे एक चीज़ चेंज करेंगे, यहाँ पे देखें पिक्चर का लुक कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर ब्राइटर कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह लुक आ जाएगा, ओरिजिनल फ़ोटो ये वाला है, चेंज करने के बाद क्रेयॉन का इस तरह फ़ोटो आ जाएगा। अगर आपको कैनवास में करना है तो कैनवास के लिए इस तरह फ़ोटो आएगा, देख सकते हैं इसका लुक चेंज हो जाएगा, कैनवास में आपका फ़ोटो चेंज हो जाएगा। अगर आप कलरिंग बुक के लिए फ़ोटोग्राफ्स यूज़ करना चाहते हैं, कलरिंग बुक तैयार करना है, तो इसका ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह कलरिंग बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्राॅइंग बुक्स वगैरह में कलरिंग बुक में आपको इस तरह का पिक्चर आपको दिखाई देता होगा, मिल जाएगा इस तरह। अगर इसे मैं कैनवास कर देता हूँ तो इस तरह रहेगा। यहाँ पर आप ब्राइटर कर देंगे ये तो इस तरह फ़ोटो हो जाएगा, तो आप पे निर्भर करता है। अगर इसे आपको सेव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है यहाँ पे। अदरवाइज़ फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन है, सेव इमेज, सेव इमेज में क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर दें, यहाँ सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ प्रिंट करना है तो प्रिंट करें, शेयर ऑनलाइन करना है आप इसे ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं। तो और यहाँ पर फॉर जेपैक फाइल स्मॉल साइज लिख, यहाँ पर स्मॉल फाइल लिखा, हाई क्वालिटी रहने दें, सेव पे क्लिक कर दें। करने के बाद जिस जगह आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, अब जिस जगह भी आप इसे सेव करना है, जैसे फॉर आईडी नाम से फोल्डर में मैं इसे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग, नाम दे दिया, फाइल का नाम दिया थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये फॉर्मेट सेव टाइप जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जेपैक में सेव करना है या ग्राफिक फाइल करना है या पीएनजी फाइल्स करना है या बीएमपी फाइल्स, तो बेस्ट है जेपैक में सेव कर देता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग नाम से, और सेव कर दिया मैंने इस फ़ोटो को कैनवास फॉर्मेट में। अब देखते हैं फ़ोटो कैसा लगता है। ये मैं फोल्डर ओपन किया, करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग नाम से ये फ़ोटो है, इसे मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये फ़ोटो आ गया, ओरिजिनल फ़ोटो आपको दिखाई देगा, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, ये देख सकते हैं। और आपका वो फ़ोटो चेंज होने के बाद ये देखिए ये फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो है, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो।
उसके बाद चेंज कैनवास में चेंज करने के बाद इस तरह फ़ोटो आपको नज़र आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अलग अलग एक ही फ़ोटो को अलग अलग क्रेयॉन का स्टाइल दे सकते हैं, कैनवास का स्टाइल दे सकते हैं, कलरिंग बुक में क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटो टू कार्टून सॉफ्टवेयर के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।